The world's latest technology brought to you by Videocon, the Indian multinational. Maruti Suzuki, count on us. आइए तसल्ली सुरक्षा की ICICI Prudential Life Insurance. Royal Luxury Emulsion from Asian Paints. Some things in life deserve a royal war. Viz Pan Masala. Viz का जलवा कुछ भी कर दिखाए. और पान पराग पान मसाला जब भी जी करे. सभी ने कहा कि मेरा कैरियर बदलना पागलपन था. अब मेरा ऑफिस है 10x4, जहां का फर्श है झूमता हुआ और मेरे कस्टमर्स लौट के चले आते हैं. समय वाकई बदल रहा है. ऐसा घर बनाइए कोई कॉपी ना कर सके. चांस ही नहीं सर. ऐसा घर बनाइए जो कोई कॉपी ना कर सके. चांस ही नहीं. एक संगे मरमर इतना रेयर जो आपके घर हो वो और कहीं नहीं. कॉपी है. वंडर मार्बल रेयर नेचुरल ब्यूटी. अंकल बनियान पहनी हो और हाथ से पानी पी रही हो. क्या मतलब? मालूम नहीं. लक्स कोजी के हर बनियान पर एक स्टील ग्लास बिल्कुल फ्री. जी हाँ, लक्स के हर एक प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ एक आकर्षक स्टील ग्लास फ्री. और नेचुरल फ्रूट से बने प्रिया गोल्ड के फ्रेश गोल्ड फ्रूट जूसेस. फ्रेश गोल्ड जूसेस. कोई पानी नहीं मांगेगा. वो पहला कदम पहली मुस्कान. यूरो सेरामिक्स हर कदम आपके साथ. वी सी प्रोटेक्शन. वी सी सिक्योरिटी. We see confidence. We see peace of mind. We've made our software more secure, and we're always working to keep it that way. Find out more. सुनो, सुबह बाबूजी का ड्राफ्ट भेज दिया ना? मैं जानती थी तुम भूल जाओगे. एक दिन मुझे भी भूल जाओगे. अब तुम ही मना बाबूजी को. ऑफिस ऑफिस कहाँ जा रहे हो? ICICI Bank. Branches open 8 AM to 8 PM. Banking jab chaho. Mujhe to laga tha sirf tum hi late kaam karte ho. Pan Bahar, it's back. Happy birthday. Pan Bahar. Pan Bahar. Pan Masala. Kya touch? Kya look? Kya crease? Kya fall? Kaam pe lag jao. Tailor khush to best ho kaam. Fabric lao to sirf CRM. Discover the Jadoo of DTSI Power. The Jadoo of Exhaust Tech Mileage. The Jadoo of SNS Suspension. The Jadoo of Premium Styling. License? The new Bajaj Discover DTSI. एजल रिफिल्स की क्वालिटी तो कई गुना बेहतर है. आखिर रिफिल ही तो पेन की असली जान है. क्यों? इंटरनेशनल क्वालिटी एजल रिफिल्स पेन की असली जान. बांगड़ वर्ल्ड क्लास सीमेंट. बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा. ये भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है. इसीलिए रीवाइटल रोजाना. इसके 11 विटामिन और जिनसिंग मुझे चुस्त रखे और कैल्शियम आयन जैसे 9 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए. इसीलिए मैं रहता हूँ चुस्त और तंदुरुस्त. तो आप रीवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं? रीवाइटल जियो जी भर के. सब कुछ बेच रहे हैं? हाँ, विदेश जा रहे हैं ना. इस पंखे पर कीमत का टैग नहीं है? टैग नहीं है ना? नहीं. तो नहीं बेचेंगे. ये नहीं, इस फैन की कीमत क्या होगी? इस पे टैग नहीं है ना? नहीं. तो नहीं बेचेंगे. 17 सालों का साथ है. वो भी बिना किसी झंझट के कैसे बेचते? खैतान सिर्फ नाम ही काफी है. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश. डॉक्टर कांसर हमारे साथ मौजूद हैं. तीन मेहमान महिला और शिशु विकास मंत्री रेणुका चौधरी, समाजशास्त्री रंजना कुमारी और गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर मिश्र. आप तीनों से हम बात करेंगे. आप देख रहे हैं महिला दिवस पर हमारी खास पेशकश डॉक्टर कंस. ये कहानी उन डॉक्टरों की है जो पैसे के लालच में अजन्मी बच्चियों को गर्भ में ही कत्ल कर देते हैं. आइए देखते हैं खास रिपोर्ट.
ये हैं पटना की मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा। इनके ऑफिस में लगी ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि डॉक्टर मिश्रा की काबिलियत और शोहरत का सिक्का पटना में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक चलता है। डॉक्टर मिश्रा कोख में पल रहे बच्चे के लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या के सख्त खिलाफ हैं। कोई भी डॉक्टर अब ऐसे लिख करके नहीं, लेकिन पेशेंट आई लोग कह देंगे तो बहुत लोग जो है से वर्बल रिपोर्ट दे देता है। यदि वर्बल रिपोर्ट दे देता है तो उसको मालूम हो जाता है कि लड़की, यदि पता ही नहीं चलेगा तो डॉक्टर के पास नहीं आएगी। और मान लीजिए कि यदि आती भी है तो हम लोग को करना नहीं चाहिए, एडवाइस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसको ये समझाना होगा कि तुम यदि नहीं कर यहाँ पर हो रहा है तो तुम बाहर जा करके कहीं जा करके नहीं करो, उससे तुम्हारे मृत्यु की संभावना हो सके। डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा का ये चेहरा तो सबने देखा है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इनका एक और चेहरा। भ्रूण हत्या के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाली इस डॉक्टर को खुद भी भ्रूण हत्या से परहेज नहीं है। ये बात तब साफ हो गई जब हम इनके पास एक मरीज को लेकर पहुंचे। हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी थी जिसके मुताबिक इस महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है। हमने ये पूरी बात डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा को बताई। ये अल्ट्रासाउंड भी कर रहा है, जैसे हमको ऑलरेडी पहले तो पहले का है, तीन का है। हाँ, तीन का है। तो हम ये मेरा हमको एक लड़की पहले से हाँ। ये जानते हुए भी कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा उसके अबॉर्शन के लिए तैयार हो गई। भाई की चार भाई को चार घंटे इस तरह से होने दिक्कत है, तो हम वहाँ पे बोला तो हम सोचा आप हमको इनको देखिए दवाई दे करके छोड़ना होगा, अभी बच्चा नहीं चाहते हैं। नहीं, दो तीन तीन दिन टाइम लगता है, उसके बाद बच्चा खराब होता है, लेकिन आप लोगों को सब कराना नहीं होते दीदी। मैडम हमको जल्दी करो तो कैसे, तो मरीज को लाइएगा तभी ना। तो आज ले आज दवाई पड़ेगा, लेकिन दो दिन टाइम लगता है, दवाई पड़ेगा, दर्द होगा, साइज बड़ा ना हो गया है बाबू, दो दिन टाइम लगता है, इन्होंने हमें निश्चिंत किया कि सिर्फ दो दिन में लड़की से छुटकारा दिला देंगी। डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा के अस्पताल में हमें अबॉर्शन की फीस बताई गई 2500 रुपए। ऐसा ही भरोसा हमें पटना की डॉक्टर रीटा चौधरी ने भी दिलाया। फर्क सिर्फ इतना था कि डॉक्टर चौधरी अजन्मी बच्ची के कत्ल की कीमत कुछ ज्यादा वसूलती हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर चौधरी ने हमसे 5000 रुपए मांगे और मरीज को फौरन भर्ती कराने की सलाह दी। तो भर्ती करना पड़ेगा, ठीक है, भर्ती करने के बाद इनको समय लगेगा, दो दिन लगे, चार दिन लगे, ऑपरेशन नहीं है कि हमको लगाना है, को लगाना है। कितना पैसा पहले जमा करना होगा? ये पैसा लगेगा 5000 टोटल दवाई के साथ। डॉक्टर रीटा चौधरी की असलियत को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमारी टीम वहां से निकल आई। अब हमारे निशाने पर थी पटना की एक और मशहूर लेडी डॉक्टर सुनीता सिंह। डॉक्टर सुनीता सिंह के क्लिनिक पहुंचकर हमने पहले उन्हें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद इस लेडी डॉक्टर ने हमें भरोसा दिलाया कि वो कोख में पल रही बच्ची को इस दुनिया में नहीं आने देंगी। टाइम लगता है, तुरंत तो होगा नहीं, दवा डालती छोड़ूंगी, अभी कहीं आना है, खाली पेट नहीं आना। डॉक्टर सुनीता सिंह ने उस अजन्मी बच्ची की जान की कीमत बताई सिर्फ 2000 रुपए। कितना फीस कितना है? दवाई अपना लाइएगा तो 500 के आसपास का दवाई लग जाएगा। जी, दवाई अपना लाइएगा, 2000 में दवाई सही तरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना?